बैठिए, अरे आप प्रभु ये बैठिए, आज आप गेस्ट हैं। रमेश जी, योगी पुखराज जी और हम पार्थ हम सारथी आएंगे। भाई काजू बादाम पिस्ता खाएगी? पुलिस वाले कॉफी चॉकलेट तो खाते भी नहीं वैसे भी, काजू बादाम पिस्ता ही ठीक है। मैं तो शराब बराम योगी जी बता रहे थे कि सर क्या है धनवान कॉलोनी सबसे जोधपुर की। धनवान तो कॉलोनी है सर, बहुत अच्छी कॉलोनी मानता हूँ मैं। हाँ नहीं, थोड़ी शांत है, साफ सुथरी, मतलब इस लेवल में महंगी है जैसा आस्ते सर, लेकिन वहाँ ये सुविधा और ये सेटल, मतलब इसमें एंट्री करते लगता है आप कुछ और दुनिया में आ गए हो। आप जोधपुर में तो नहीं हो, एक बच्चा थोड़ा कम पहुँचता है यहाँ पर, थोड़ा शांति, फैमिली के हिसाब से भी बहुत सिक्योरिटी है, मुद्दा फैमिली का है। ऐसा आज जा रहे हैं 8 दिन के लिए, तो फैमिली की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो बगल में रहे तो ठीक है मेरे तो उगा जी, पता नहीं था ऊपर चढ़े थे ना क्या सीढ़िया पास में ही होगी होंगे, ये दूसरे भी है फिर यार बिस्तर है, बीच में चढ़ जाए तो ठीक है। लिफ्ट के वक्त नहीं है मेरे को, उधर पता नहीं, तो मैंने कहा गेट से घुमा के लेके आता हूँ, फिर आगे ऊपर जाके फिर वापस आए। मुझे लगा आपको आप उसका सी गाड़ी से आ रहे हो, मैं इसलिए नहीं आया बाहर, बना तो सब ज्यादा था। मैंने सोचा ये सोचा आप खाना खा रहे थे ना उस टाइम, मैंने सोचा आप मेरे को खाना खिलाते रील्स बनाओ, ऐसे बोल रहा था मैं। मैं ध्यान आप मुझे लगा बोलने की रील बना दो आपके लिए, मैंने इतनी बड़ी लाइन सोची थी, बस मैं क्या बोलूंगा आपके लिए। अब बोल दीजिए। हाँ अब बोल देता हूँ कि तानों की भट्टी में जलकर राख नहीं सोना बनता है, उदाहरण आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे रमेश जी उदाहरण के रूप में सामने है, क्योंकि तानों की भट्टी में कितने ताने मिले होंगे सर, फिर भी हार नहीं मानी सर, ताने भी मिले हैं जिंदगी में सर, बहुत ताने मिले, लाइक लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है, बहुत सपोर्ट किया सर, सपोर्ट भी खूब किया, पर समस्या भी खूब है, जन्म के हिसाब से सब ताने। कई लोग होते हैं सर छोटी समस्या आती फैल जाते हैं, हाँ, कितना बड़ा भूकंप आ गया उनको ऊपर, इसलिए हो जाए कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा नुकसान हो गया तो फिर एक उंगली में चोट लग जाती है ना सर तो इंसान बौखला जाता है। बिल्कुल, और मैंने अभी वीडियो देखी, आज ही देखी मैंने तो वीडियो, मैं झूठ बोलूं अच्छा, पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए वीडियो देखी मैंने आज इनकी। मतलब मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, मतलब इतना जज्बा। शेखावटी में कल आए थे हमारे शैतान जी, पूरी पेंशन खपा दी सर उन्होंने अपनी, उम्र इस उम्र में बहुत सेवा का एक जज्बा, गजब बात है। ये बैठे हमारे कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, ये भी एक बड़ी बात होती है। और छोटा सा मोबाइल था उनका, कल मैंने देखा, हाँ, कल उसमें नंबर टाइप करवा रहे थे उसमें अपने, छोटा मोबाइल रखते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ एकदम, और बहुत बड़ी शख्सियत है, पर वो एकदम होता ना बिल्कुल एकदम जुड़े रहना जमीन से, बिल्कुल सादगी रहना सबसे जरूरी, बहुत मतलब कितना ही बड़ा आदमी बन जाता है सादगी नहीं छोड़नी चाहिए। शेखावटी में है ये बात, मैंने 4-5 लोग देखे हैं सुभाष चांद सर से लेकर के, और आप अपनी पाठशाला तो खैर मुझे अपना घर से ही लगता है, ना है ही घर ही, अपना से जुड़ा हुआ हूँ मैं तो एकदम। बिल्कुल सर अपने सबका ही घर अपनी पाठशाला तो इधर सर अपने धर्मवीर जी सर आए हुए हैं, उनको चेक भी देंगे अपनी तरफ से, चुरू पाठशाला की आगे रखा है, देखो डर के ही रखा है, मैं बैठा हुआ था, डेट आज भरी है मैंने इसमें, अच्छा मैंने कहा डेट आज भर देता हूँ इसमें, डेट आज भर दी मैंने इसमें, भाई साहब की ओर से 1,00,000 रुपए का चेक है, ये आज उसी उस पाठशाला के लिए है जहाँ वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले या भाव में रहने वाले बच्चे हैं, उनका एक अपने बच्चों की तरह जैसे अपन अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में डाल करके उसका भविष्य का निर्माण करना चाह रहे हैं, वैसे ही अपन सबका सपना है। और उन सपनों की में जो एक पंख का काम कर रही है उत्कर्ष की पूरी टीम है, निर्मल भाई साहब हैं, कुमार गौरव सर हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों के लिए भी अपन एक अच्छा सा एक शिक्षण केंद्र बनाएं, ताकि उनका बेस मजबूत करें, उसके बाद उनको गुरुकुल जैसे ये एक अच्छे और ही संस्कारवान इंस्टीट्यूट है, तो इसमें अपन उनको शामिल करें और राष्ट्र निर्माण का एक अच्छा हिस्सा बनाएं उनको। और नींव का पत्थर सबसे मजबूत होता है सर,
आप नीम के पत्थर हो, अपनी पाठशाला का आपका संघर्ष बहुत लंबा है, हम तो चलो अभी से जुड़े हैं आपके साथ में, पर संघर्ष आपका लंबा है और देखिए धीरे धीरे कारवा बनता जा रहा है, लोग आगे आ रहे हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है और बहुत जल्दी इस पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद में हम चलेंगे वहाँ टूर करने के लिए। बड़ा प्राउड सा फीलिंग होगा कि इस नीम के पत्थर में हमारा भी कभी योगदान रहा है, तो प्राउड की जो फीलिंग है वो होने वाली। कल जब बच्चों को देख रहे थे गुरुकुल में, तो आप बताओ आपने अपने बच्चों को देख के कैसा लगा? बड़ी यानी इतनी खुशी हुई जब वो प्राइज ले रहे थे वहाँ पे, मतलब और जब अपने को इतनी खुशी हो रही है, तो अपन ये सोच रहे कल्पना करें कि इनके माँ बाप को कितनी खुशी होगी जब वो इनकी तस्वीर देखेंगे, इनकी वीडियो देखेंगे, तो यानी वो फूले नहीं समाएंगे, इतनी उनको एक अपार खुशी होगी। क्योंकि ये कुमार जी जो बच्चे जो कर रहे हैं उनकी, उसकी रियल कंडीशन आप भी देखोगे ना, तो आप ही सोचोगे यार ये भी एक जीवन का एक लेवल है, एक स्तर है, ऐसे भी लोग जीतते हैं। और यहाँ से उठ कर के लिए बच्चे को अपन ऐसे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इतना ये अद्भुत बुरा हो जाए। लेकिन अपने तो क्या, धीरे 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 जैसे सपोर्ट मिलता रहेगा वैसे काम चलता रहेगा, कोई बात नहीं। इतना संघर्ष किया है एक साल और से, हाँ ये है कि भाई अपन एक मंजिल हो जाएगी तो उन बच्चों को वहाँ पढ़ाना शुरू कर देंगे, फिर धीरे धीरे बनता रहेगा। मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपको देर सब पता नहीं आ रहेगा नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू किया था वहाँ पर, मेरी मतलब एक लाइन तो मेरे दिल के इतने करीब सी है ना, वो कैसे कटोरा नहीं कैसे कलम होता है, वो आपकी बड़ी फेमस लाइन थी, उसमें आई थी किसी अखबार में आई थी, बहुत यथार्थ लाइन है, इसको कहते हैं ना कि हाँ मतलब इनको बताने के लिए वो लाइन सबसे अच्छी लाइन है, ये होता है। आपने वो भी बताया कि शिक्षा वो शेरनी का एक दूध है, यानी शेरनी के दूध में जितनी पावर होती है उतनी शिक्षा में भी पावर है, और उससे जो दहाड़ है अपने, दहाड़ आपने देखे ना बच्चों के, दहाड़ वही दहाड़ है, वो सक्सेस हो जाएंगे, वो जॉब में चले जाएंगे तो वो एक दहाड़ हो गई, वो जिंदगी में अपना हर एक सामाजिक दायित्व अच्छे से निभाएंगे। प्रकृति के शिक्षित आदमी अपन उसी को समझे जो इस नेचर के प्रति भी अपना अपनी एक वफादारी समझे, अपना कर्तव्य समझे, पर्यावरण है, मानव के आपस में संबंध के बारे में है, हर एक जगह वो अपना अच्छे से वो टेकल कर ले। और आपके टीम का वो सपोर्ट से, टीम तो सब शानदार है, बिना टीम के संभव नहीं कोई काम, बिना टीम के तो है ही नहीं। आज उत्कर्ष इस मुकाम पे पहुंचा मेरे तक टीम है सर, वो 1500 लोग जो जुटे हुए हैं ना मेहनत में, मतलब मैं सोचता हूँ सर मैं तो चलो 6 बजे खड़ा होता हूँ क्लास लेने के लिए, 1500 दिन से लगातार खड़ा हो रहा हूँ, और वो जो क्लास कराना आता है वो 5 बजे खड़ा होता होगा, तब मेरे पास पहुँचता होगा, वो तैयार करता है सेटअप, और रात को 9 बजे तक मेरे पास रहता है, मुझे तो क्लास लेनी बैठ के एसी रूम में, वो आता होगा बिल्कुल सर्दी में आता होगा, जैसे ये पाठशाला संभालता है। अच्छा, ओम प्रकाश नाम है, तो ये यानी सुबह 7 बजे ये 6 बजे ही सुबह तैयारी शुरू कर देता है, और 7:30 बजे तो पाठशाला में पहुँच जाता है, और उसके बाद में देर रात तक 9-10 बजे तक लगातार काम चलता रहता है। कितना त्याग करते हैं अपन, तो बीच में चलो ड्यूटी भी चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ी सी भाई, ज़्यादातर पुलिस की ड्यूटी में है, लाइन में ड्यूटी है तो रिलीफ वाली सी ड्यूटियाँ होती हैं, तो वहाँ बैठ भी जाते हैं, मोबाइल भी देख लेते हैं, ये तो लगातार काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक वन मैन आर्मी भी हमारे यहाँ पे, जो अकेली टीम है, अकेली आर्मी है, हमारे पुखराज जी अकेले ही सारा जनरल संभाल लेते हैं भाई साहब, मतलब किसी की कोई जरूरत नहीं है। पुखराज जी कैसे कर रहे हो ये इतना, मतलब राम राम से ऊपर हो चुका है, पता है आपको आइडिया है? ये सो हाँ यूट्यूब 10 लाख, फेसबुक के ऊपर हो गए, जो चीज अपना करना चाहते है ना खुद, वो साथ वाले मतलब एक स्टेज होता तो कर सकते हैं, लेकिन बिना स्टेज अपन को बोलना है तो वो ब्लॉगिंग में तो ये चलता है बात। कब शुरुआत की सर आपने? ये 2016 से शौक शौक से शुरू की, और फिर 2017 में उत्कर्ष में आया, कोचिंग की थी कि पीछे लगेंगे, मैंने ये देखी है वो आप कैमरा में जो कीजिए अभी हमारे स्टूडेंट तो जिन पुखराज जी को आप देख रहे हैं देख लीजिए, मतलब सफलता अलग अलग मायने होते हैं, एक मायने ये भी है सफलता का, हार मत मानिएगा। तो 17 में कोचिंग की उत्कर्ष क्लासेस से इन्होंने, और आज ये इनका फेसबुक पे मिलियंस में चैनल है, और यूट्यूब पे बहुत जल्दी मिलियंस होने वाले हैं। और पुखराज जी मैं आपको अभी से बधाई देता हूँ कि आपका बहुत जल्दी गोल्ड प्ले बटन जो आ ही जाएगा, डायमंड में आपको आज यहीं पर दिखा रहा हूँ, आज उत्कर्ष का डायमंड संयोग बस यहीं पर रखा हुआ है मेरे पास में, तो डायमंड बटन मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है, चलो बटन तो देखा, डायमंड बटन मिलेगा, उम्मीद है कि अमेरिका से ये बॉक्स आपके पास आएगा।
अच्छा ये दोनों, ये राजस्थान का पहला डायमंड बटन है जो राजस्थान में आया है किसी एजुकेशन चैनल के पास में। तो मैं चाहता हूँ कि आप ही ओपनिंग कीजिए सर। एक एक करोड़ वो सब्सक्राइबर होने पर है ये, है ना, एक करोड़ पे आता है सर ये। आओ योगी जी, आइए योगी जी, ओपनिंग कीजिए इसकी सर, आप कीजिए। अरे ये आप, आपको आने वाला है, अग्रिम शुभकामनाएं दे रहे हैं हम सब हमारी तरफ से। एक बटन आप खोलो। आइए, तो ये मैं हमारे पास रखा हुआ था अभी, तो अब निकालिए सर इसको एक बार, थोड़ा भारी बहुत है। ये तो भारी है, इसको पॉलिथीन से निकाल के देखिए और महसूस कीजिए बहुत जल्दी। मेरे को तो ये खुशी हुई कि आप हमारा चैनल देखते हैं। अरे बिल्कुल सर, कौन नहीं देखता राजस्थान में सर, गलत फहमी जो बोलता है ना। काफी भारी है। हाँ बहुत भारी है। और जो गोल्ड बटन मिलता है ना, तो लोग सोचते हैं कि वो सोना मिला है, तो ये डायमंड सोने से भी ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस डायमंड के लिए कितना त्याग किया गया है, कितनी मेहनत की गई है, तब जा कर के ये, मतलब सर शादी में भी क्लास लेनी पड़ी। और तो क्या ही बोलो, त्याग की बात हो रही है। तो शादी वाली क्लास से कितने बच्चों का जीवन बन गया है। मोटिवेशन है सर, एक तो होता है ना कि हाँ यार, जब बंदा शादी पे क्लास ले सकता है, तो पढ़ने वाला भी फिर ये देख सकता है कि यार मैं क्यों फालतू की शादियों में रूम में घूमता फिरूं, मैं भी पढ़ाई करूं। ये खुद 2 साल में 2 छुट्टी करके बैठा है केवल, हाँ। वो भी गलती से हो गई शादी वाले दिन की, हाँ। तो फिर हम भी पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन सर, बिल्कुल यही प्रेरणा मिलती है। तो पुखराज जी अपना मोटिवेशन ब्लॉक के मामले में, कि मारवाड़ी में कोई इतनी अच्छी बात कर सकता है, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना सर अपने आप में। तो डायमंड बटन का कितना महत्व है, और सर खुद खड़े होके आज इनके इनके हाथ से ये देखिए डायमंड बटन दे रहे हैं। डायमंड तो हमारे साथ में है दोनों, ठीक है। तो सारे डायमंड है, मैं ये समझता हूं अपन सारे डायमंड है, क्योंकि अपन ने अपनी कई सौ सिमिलर है ना, तभी अपन यहां साथ खड़े हैं। मेरे को तो आज बहुत खुशी हो रही है, पहले से जानती हूं कि सामने जहां भी जाते हैं ना, तो जब सर मतलब मैं जोधपुर से, लेकिन मेरे को पूरी नहीं आती जितनी आपको आना, बहुत शानदार आती है, लैंग्वेज में फर्क पड़ता थोड़ा बहुत। नहीं वो तो सही है, लेकिन बहुत बढ़िया लगी कि आप हमारा आदमी जो आप बटन देख लिया हो, यदि कीमत आप आंक नहीं सको, और कई चीजें ऐड हुआ करें जगह की आपको कीमत नहीं, अनमोल होती है, अनमोल बेस्ट कीमती है, बेस्ट कीमती, और पैसे से ये खरीद भी नहीं सकते, संभव नहीं है। तो प्यार पैसे से नहीं, हाँ ये प्रेम। और कुमार गौरव सर ने आज दिल जीत लिया, बाग बाग कर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने इतना। और सर एक और बात बता दूं आपको, अभी से भविष्य में आपके पास आएगा, तो ये लेटर आता है वहां से, इसमें जो साइन है ये प्रिंटेड नहीं है सर, ये साइन खुद हाथ से किए गए साइन है उनके, जो यूट्यूब के सीईओ हैं। अब तो आपके पास तो इंडियंस करके भेजेंगे, नील मोहन जी हैं अभी तो यूट्यूब के सीईओ, उन्होंने साइन किए हैं। कौन है ये साइन है? तो सुशांत जो है उन्होंने साइन किए हैं, उनके ओरिजिनल साइन है, मतलब खुद पेन से किए गए साइन है। तो ये डायमंड बटन वालों को ही करते हैं? हाँ उनको करते हैं डायमंड, ये चुनिंदा ही होते हैं, बहुत कम होते हैं चुनिंदा, होता है एजुकेशन के फील्ड में बहुत कम है डायमंड बटन जो है, वो राजस्थान का तो पहला है एजुकेशन में। ये अमेरिका से सीधा आता है, ये 2 महीना अटका रहा दिल्ली। अच्छा सर, फिर टॉप 3 में तो रहेंगे आप देश में? टॉप 3 तो पता नहीं, पर दिलों पे तो राज करते हैं सर। टॉप 3 का तो आइडिया नहीं है सर, बाकी आप देख लीजिए, अगर
ड्राई फ्रूट नहीं खाएंगे, मुझे उठ के खिलाना पड़ेगा सबको, तो इससे बढ़िया आप खा लीजिए।